सरगुजा पुलिस के द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे हिम्मत कार्यक्रम की शुरुआत अब लखनपुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में की जा रही है जिसका शुभारंभ आज जिले के सी भावना गुप्ता के द्वारा किया गया जिसमें 200 बच्चियों को नियमित सरगुजा पुलिस की टॉयकांडो क्लब के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके साथ ही हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम के तहत राज्य शासन की चलने वाली योजनाओं सहित अभी व्यक्ति ऐप की जानकारी बच्चों को दी जाएगी जिसके लिए एक महीने तक लगातार संचालित किया जाएगा वहीं हाल ही में कोरबा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सरुजा जिले के ताइकांडो के छात्र भी इसमें भाग लिए जिसमें शामिल सभी बच्चों को द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान हासिल किया है जो आने वाले दिनों में विशाखापट्टनम और हैदराबाद में अपनी जौहर दिखाएंगे मैं पांच सालों से ताइकांडो क्लब पुलिस लाइन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ राधा श्याम पुरी सर के साथ कहाँ से कहाँ अभी आ, स्टेट फेडरेशन गेम हुआ था टाइपांडो का कोरबा में वह आ, वहाँ पास मेरा पुमसे में गोल्ड मेडल लगा है और नेशनल में सिलेक्शन हुआ है जो जूनियर कैटेगरी का विशाखापट्टनम में होने वाला है आपका सिलेक्शन हुआ है कैसा महसूस करेंगे इसका श्रेय मैं आ, मेरे सर राजेश मानिकपुरी को देना चाहूँगा जो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस कराते हैं अभी कोरबा मैच खेलने गए थे वहाँ मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और हैदराबाद में हमारी सिलेक्शन हुई है नेशनल मैच में मैडम और उनके तैकॉन्डो क्लब पूरे पुलिस लाइन टाइकोंडो क्लब से एस मैडम और राजेश हमारे कोच उनके साइड से हम आ, आप हैदराबाद के लिए सिलेक्शन हुए हैं कैसा महसूस हो रहा है बहुत अच्छे महसूस हो रहे हैं किनको श्रेय देना चाह हमारे पेरेंट्स और वो राधे श्याम हमारे कोच और एस पी मैडम गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के तत्वाधान में कोरबा में आयोजित 18वीं राज्य स्तरीय ताइकांडो प्रतियोगिता में जिले से कुल 27 प्रतिभागी शामिल हुए जिनमें से हिम्मत अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त के 17 प्रतिशत प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार गोल्ड दो सिल्वर दस ब्राउज मेडल जीतकर सरगुजा पुलिस व जिले का नाम रोशन किया है जिसमें से पांच प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है आज सरगुजा पुलिस द्वारा जो हिम्मत कार्यक्रम पूरे जिला भर में चलाया जा रहा है उसी तारतम्य में कस्तूरबा गांधी लखनपुर विद्यालय में सरगुजा पुलिस द्वारा इसको आज से संचालित किया जाएगा उसी का एक शुभारंभ आज किया गया है लगभग 200 सौ बच्चियाँ इसमें नियमित रूप से हमारी सरगुजा पुलिस की जो टाइकोंडो क्लब के बच्चे हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी के साथ में जो हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम के तहत में जितनी राज्य शासन की आ, स्कीम्स हैं और अभिव्यक्ति एप्लीकेशन तमाम जानकारियाँ इन बच्चों को दी जाएंगी ये शिविर लगभग एक महीने अभी निश्चित रूप से और निरंतर रूप से संचालित किया जाए हाल ही में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोरबा में आ, की गई थी जिसमें हमारे बच्चे प्रतिभागी थे और सभी बच्चों ने बहुत उमदा प्रदर्शन करते हुए उसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे अपना स्थान हासिल किया है और ऐसी ही आशा है कि और बच्चों में बहुत प्रतिभाएँ प्रतिभा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक ये सोच है एक चेष्टा है कि वो प्रतिभा उनमें से बाहर आए और उसको जिस भी तरह से सरगुजा पुलिस का समर्थन दिया जा सके उन्हें आगे लाने के लिए वो तमाम कोशिशें जारी हैं